भाई नूर जहां, इस बोसे का उधार तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मंटो जी, कहे तो इसका उधार आपसे चुका दूं? भाई मेरे जैसे तो बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन ये वाले आशिक बहुत नायाब होते हैं। मैं तो कहूंगा कि इसके बड़े होने का इंतजार कर लो। मैडम आइए केक काटे। सफिया बाजी, आप तो मुझे मैडम ना कहे, आपके लिए तो मैं नूर जहां ही हूँ। चलिए आओ भाई, आज अपने ताकू की तो बहुत ही शानदार सालगिरह हो। नहीं ताकू, ऐसी तो किसी की भी नहीं हुई। अब्बा, मैडम गाना गाएंगी ना? अब नूर जहां हमारे घर आए और कोई अपना मधुर सा, मशहूर सा, कोई मीठा सा गीत ना सुनाए तो बात ज्यादती की होगी ना? है भाई, तो फिर फरमाइश करें। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे, वे मुंडे असे आल कोटिया, वे मुंडे असे आल कोटिया, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, चिट्टी दूध चाननी हो, चिट्टी दूध चाननी ते रुतवे बहार दी, नदी साड़ी प्यार वाली हो, नदी साड़ी प्यार वाली ठाठा पई मार दी, छेती छेती आ, छेती छेती आ जा चन्ना दोवे पईये खिलवे, वे मुंडे असे आल कोटिया, 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 तेरे मुखड़े दा काला काला दिल वे, ला 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 ला। कुछ नहीं हुआ है मुझे, माफ कर दियो। अरे तुम लोग जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, जाके ऑफिस लगाओ। चलो शाबाश, उतारो इसे, उतारो इसे। मेरी बात सुनो, क्यों खफा है? और किसने नाराज कर दिया तुझे? और तेरी माँ ने है? नहीं, तेरे साधंदो ने किया, और तमाशबीनों में से किसी ने किया है तो बताओ मुझे। या अल्लाह, बात समझ, तेरे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। तू बस मुझको बता, एक बार तू बस इशारा कर दे, फिर तू देख खुदा बख्श क्या करता है। खुद को संभाल खुदा बख्श, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर ये क्यों इतना नाराज है? क्यों नाराज है? और क्या रोग लग गया है इसको? अरे इसे मंटो हो गया है। क्या हो गया? अरे तेरा मंटो, वही मिर्जा गालिब का राइटर, उसकी किताबें पढ़ने का रोग हो गया इसे। अच्छा जी, वही मंटो की किताब पढ़ने का ये असर होता है? हैं? चौधरी मोहम्मद हुसैन ठीक कहता है, इस मंटो का अब कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। खुदा बख्श, इसमें मंटो का क्या कसूर है? देख खुदा बख्श,
देख वादा कर मुझसे, तुझे तुझे खुदा का वास्ता है। कौन है वो? वो आशिक है तेरा, देख रहा मैं किस तरह उसका मक्कू ठप करता हूँ, तू देखना। खुदा बख्श, खुदा बख्श, खुदा बख्श, देखना तू। खुदा बख्श, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। हो गया नाजो। सफिया बाजी, आपका शौहर हीरा है, हीरा संभाल के रखना। अब तुम ही समझाओ ना, अपनी बुरी आदतों से बाज आए। मर्दों को राह रास्त पे लाने के लिए किसी बीवी ने मुझे आज तक नहीं कहा, आज आपने कहा है ना, तो मैं जरूर बात करूंगी। मंटो जी, बात सुनिएगा, आज मैंने आपकी बात मानी है ना, अब आप मेरी बात मानेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। तुझे क्या हो गया नाज़ू? आज तेरी वजह से बहुत खराबी होगी। मैं आपको संभाल लड़की। मेरे पास में कुछ नहीं है अम्मा, मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे की जुदाई का सिलसिला अभी तक इतना ताजा है। हमारे धंधे में बच्चे का पैदा होना, गिराया जाना, छीन लिया जाना कोई मायने नहीं रखता है। मैं क्या करूं अम्मा? मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरी आंखों में बस गया है। उसके उसके नन्हे मुन्ने पांव, मुन्ने मुन्ने हाथ, भोली भोली आंखें, वो अपने बाजू फैलाता है कि मेरे गोद में आ जाए। बस बस नाजो, बस कर बेटा, तू उस वक्त बहुत कम उम्र और मासूम थी, देख अब तो हम सब तेरे साथ हैं ना, भुला दे सब कुछ, तुझे कोई मत बेवकूफ नहीं बना सकता, तुझे फरेब नहीं दे सकता, समझी? बस करना सो, भुला दे सब कुछ, बस कर। कैसे आई? उस रास्ते से जहां से तुम अपनी शराब लेने जाते हो। तुम हो कौन और चाहती क्या? मेरी कहानी कब लिखोगे? मैं फरमाइश पे कहानियां नहीं लिखता, छोड़ दो मेरा पीछा। और उन कहानियों का क्या जो मेरा पीछा कर रहे हैं? मुझे जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। चली जाओ यहां से, सोने दो मुझे, सोने दो। तुम्हें नींद आ जाएगी मंटू, कहानियां तुम्हारे सामने रक्स कर रही है। कहानियां मेरे अंदर से निकलती हैं,
उन्हें मेरे सामने नाचने की जरूरत नहीं होती। जाओ यहां से, चली जाओ। जाती मुझे बुलाना हो तो खिड़की खोल देना, मुझे खबर हो जाएगी। सालगिरह में गाना गाना शुरू कर दिया है, ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना चाहती हूँ? मैं जमीन पे रहना चाहती हूँ शौकत, ताकि कोई मेरे पर काटे तो मैं लहूलुहान ना हो जाऊं। मगर वहां गाना गाने की क्या जरूरत थी? हर अखबार में खबर शाया हो गई है, चंद हफ्तों बाद तुम्हारी फिल्म रिलीज हो रही है, उसी का कुछ ख्याल कर लेती। मंटो के भतीजे की सालगिरह थी, बच्चे बड़ा इसरार कर रहे थे, गा दिया। अगले हफ्ते अकबर की सालगिरह है, शायद आपको याद नहीं है। मुझे याद करा देना। क्या कि वो आपका बेटा है? सालगिरह का याद करा देना, मुझे तोहफा लेना है, मैं शायद एडिटिंग पे हूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, आपकी तरफ से मैं खुद ही दे दूंगी, आज तक तो मैं ही करती आई, याद नहीं है? शादी का तोहफा भी मैं लाई थी। तो किसने कहा था तुमसे ये सब कुछ करने को? कोई बाकायदा तकरीब तो हुई नहीं थी? मजा बढ़ाया था इसे शौकत, पूरी बंबई में सनसनी दौड़ गई थी हमारी शादी की खबर सुनकर। बहुत से लोगों के सीनों पर सांप भी लौटे थे, जैसे बरकत निजामी, कमाल अमरोवी। जलने वाले तो फिर जलते हैं जानू, उन्हें कौन रोक सकता है? कोई चाहे तो रोक भी सकता है। वो कैसे? अगर उन्हें झूठे दिलासे ना दिए जाएं और उनसे फ्लर्ट ना किया जाए। शाहनूर की सारी एक्स्ट्रास मुझसे जलती हैं, उन्हें कोई झूठे दिलासे नहीं देता, उनसे कोई फ्लर्ट नहीं करता। बताइए ना शाकर जी, अपनी हरकतों का दिफा करने के लिए इल्जाम मुझ पर मत लगाओ नूर। तुम एक साहिब हैसियत फिल्म डायरेक्टर और स्टूडियो मालिक की बीवी हो, औरतें तो तुमसे जलेंगी ही। तो आप भी बरसखीर की चोटी की गुलुकारा और हसीन तरीन अदाकारा के शोहर हैं, औरों के मर्द आपसे हसद तो करेंगे। तुम अपने आप को समझती क्या हो नूर? मलिका नूर जहां, अगर मैं तुम्हें खानदान में चांस ना देता तो तुम आज भी टके टके के मंडवे कर रही होती अपनी बहनों के साथ, अल्लाह वसाई के नाम से। और अगर मेरी आवाज और अदाकारी से आपकी फिल्में हिट ना होती ना शौकत जी, तो आप भी बंबई के बाजारों में घड़ियों की मरम्मत कर रहे होते। बड़ी बातें कर रहे हैं आज। मैडम जी। हाँ। ये फूल आए मैडम जी। लो एक और आ गया, उसे भी गाने सुना दो जाके। शीदे। जी मैडम जी। बुला ले उसे। अभी सुन, फूल दे दे मुझे। शौकत जी पकड़ाइए। थैंक यू। हाय कितने खूबसूरत है ना। तुम्हें अंदर बुलाया है। क्या तुम्हें गलत फहमी हुई है? मैडम ने अंदर बुलाया, आना है तो आओ, वरना तुम्हारी मर्जी। मैडम
आइए आइए आइए, ले आइए आइए जनाब। तो आप हैं सुहेल अख्तर जी? वो दरअसल मैं आपका प्रस्तार हूँ। प्रस्तार हैं और हम अपने प्रस्तारों से बहुत प्यार करते हैं। प्यार? मगर प्यार तो हम जानती हूँ जानती हूँ, प्यार तो आप मुझसे करते हैं, यही ना? अच्छा एक बात बताइए, आपको मुझ में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरे गाल या मेरे हाथ? सब कुछ, सब पसंद है। आप हमें सारी की सारी पसंद है। और मेरी आवाज? उस पर तो हम फिदा हैं मैडम। मैडम कह रहे हैं, बताइए ना शौकत जी से, हमारे परिस्तार हमें नूरी कहते हैं। नूरी कहिए ना आप मुझे। नूरी? आप हमारी फिल्में नहीं देखते? कई कई बार। जुगनू तो मैंने 22 बार देखी थी। और अक्सर आपने ये भी सोचा होगा कि फिल्म के हीरो की जगह आप हो और हमें अपनी बाहों में ले लें। अक्सर मैं तखय्युल में यही सोचता हूँ कि आप और मैं। बकवास बंद करो। जो कहानी लिखी जाती है ना प्रोफेसर, उसका छपना लाजिम हो जाता है। अगर वो ना छपे तो वो मेरे कानों में भिनभिनाती रहती है, मुझे और कहानियां और मौजूआत पे लिखने से रोके रखती है। क्या देख रहे भाई? अपना मुसद्दिक तो बहुत बड़ा लीडर निकला है, अंकल साम का और तेल कंपनियों का खूब डट के मुकाबला कर रहा है। आज ईरान पे कुछ लिखना है? नहीं, आज कुछ ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे और दरमियान? ऊपर नीचे और दरमियान? अरे वाह, ऊपर नीचे और दरमियान, उन्वान तो तुमने खूब दिया है सफिया। अरे क्या लिखेंगे अभी? नहीं सफिया, नाचूंगा। आप इतने बेचैन क्यों हो रहे? अज्जू से कहो एक सिगरेट की नई डब्बी और माचिस ला के दे मुझे। अच्छा चाय और पी लीजिएगा, ठंडी हो जाएगी। तंग ना करे मुझे कोई कमरे में। अज्जू हमने आपको वो बात बताई थी कल जो हम मंजले बेटे के कमरे में गए तो वो रुस्वाई जमाना किताब? जी बेगम। तो आपने क्या किया? हमने उसे किताब छीन कर गायब कर दी। हमारा ख्याल था कि आज आपसे दरखास्त करें। आप बिगड़ते जा रहे हैं। हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है बेगम, बस हम डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई कदम उठा नहीं सकते और हमें आपकी तरफ से भी यही इत्मीनान होना चाहिए। मैं आज ही मिसेस अल्हारा से बात करूंगी, अगर उन्होंने इजाजत दी तो। और हम आज ही डॉक्टर पीजादा से बात करेंगे, अगर उन्होंने इजाजत दी तो। तो फिर पढ़े अगला चैप्टर। मेरा ख्याल है स्टॉपवॉच भी रख लें, नब्स चेक करने के लिए। आपके स्मेलिंग सॉल्ट्स कहाँ हैं? वहीं पर रखे होंगे। नौकरानी बोली, कहाँ चले? नौकर ने कहा, बढ़ई ढूंढने जा रहा हूँ। चारपाई अब बिल्कुल जवाब दे चुकी है। नौकरानी ने कहा, हाँ उससे कहना मजबूत लकड़ी लगाए। बहुत खूब और बहुत दिलचस्प, लेकिन मंटो साहब एक मसला है, इसे छापेगा कौन? वही जो पहले अफसाने छापते हैं। ओए सूफी, अंदर जाओ, किताब सदाम खाली करो, किताबें शिताबें चुको, चलो और चलो। अरे सर जी ये क्या कर रहे हैं? हमारा मामला तय मकामी थाने के साथ। हम मकामी थाने में से नहीं है, हम फांसी यूनिट से हैं।
बाशी यूनिट, ये कौन सा यूनिट है जी? ये वो वाला यूनिट है जिसमें तुम जैसे अखलाक बाख्ता लोगों को जेल पहुंचाते हैं, समझे? सर जी आप खामा खा नाराज हो रहे हैं, आपके जो डीएसपी साहब है ना, बड़ी अच्छी वाकफियत है मेरी उनके साथ, बकायदा गाहक है हमारे, आप उनसे एक दफा पूछ तो लेना। ओए चुप करो, एक तो फांसी वाली किताबें बेचते हो, बच्चों को गंदा करते हो, ऊपर से हमारे अफसर पे इल्जाम लगाते हो। चल अकेले। सर जी आप मेरी बात तो सुने, सर मेरी बात सुफी मंटो साहब, आपका दिमाग तो दुरुस्त है, कौन छापेगा इसे? यार मंटो, तुम्हारे कलम में कुछ ऐसी बात है कि सीधा भी रखो तो टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा ना भी हो तो टेढ़ा लगने लगता है। ये भी तो मुमकिन है कि लोगों की नज़र टेढ़ी हो, बल्कि नज़र ही क्यों, लोगों की नीयत टेढ़ी हो। दरअसल हम एक टेढ़े दौर में रह रहे हैं, जहाँ रास्ते टेढ़े हैं, जहाँ मकान टेढ़े हैं, मकीन टेढ़े हैं, दरख्त टेढ़े हैं, हर्फ टेढ़े, हर्फों के मानी टेढ़े। ये टेढ़ापन हमारी रूहों में उतर चुका है। टेढ़ेपन से याद आया, वो ऊपर नीचे और ऊपर का क्या? गलत, ये है नीचे और नीचे और बहुत नीचे। अनवर, तुमने हमारा घर देखा है? उसमें एक सीधी सीढ़ी ऊपर जाती है और एक रास्ता नीचे आता है, यानी ऊपर और नीचे, और इन दोनों को फलांग के इनके एन बीच में दरमियान, यानी ऊपर नीचे और दरमियान। तो इस ऊपर नीचे दरमियान को कौन छापेगा? मंटो साहब ये छप के रहेगी, अगर कोई नहीं छापेगा तो मैं अपनी रकम खुद लगा के छापूंगा इसे। लो, कहानी के पैसे वसूल करने के बजाय अपने पल्ले से खर्च करेंगे आप खातिम ताई। जो कहानी लिखी जाती है ना प्रोफेसर, उसका छपना लाजिम हो जाता है। अगर वो ना छपे तो वो मेरे कानों में भनभनाती रहती, मुझे और कहानियाँ और मौजूदात पे लिखने से रोके रखती है। इसे छपना होगा। लेकिन सरमाया कहाँ से आएगा? आसमान से टपकेगा या जमीन से निकलेगा? हाँ कौन? अख्तर जी। मंटो साहब। सलाम मंटो साहब। वालेकुम सलाम। अजी कोई बंदा आपका घर ढूंढ रहा था, एवर न्यू स्टूडियो से आया था, कह रहा था कि ये बंबई से कोई पैकेट दे गया है आपके लिए। मुझे किसने भेजा? जी वो कोई दोस्त है आपका, श्याम साहब, उन्होंने भेजा है आपके लिए जी, आपको दे दिया जाए। और ये एक पर्ची दे गया, इस पर दस्तखत कर दीजिए, कह रहा था कि कल आके वो मुझसे ही ले जाएगा। मुझे इजाजत जी। देखा,
میں نہ کہتا تھا کہ میرے بمبئی والے دوست مجھے ابھی بھی یاد کرتے ہیں, مجھے بھولے نہیں ہیں. میرے شیام نے بھیجا ہے. یہ ہے کیا؟ بولو تو صحیح. اب اوپر نیچے درمیان بھی چھپے گا اور میرے شیام کے نام جام بھی چڑھے. تم اگلی کس کے فلم سائن کر رہے جان جی؟ ابھی تو کچھ نہیں پتا, اور شوکت صاحب کا بھی کوئی ارادہ نہیں لگتا نئی فلم بنانے کا. میں نے سنا ہے کہ فضلی صاحب ایک نئی فلم بنا رہے ہیں. ہاں میں نے بھی سنا ہے. تمہارے ساتھ تو میرا پیر ہٹ ہو گیا. چل جا کالیا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں بات کروں گی فضلی صاحب سے. فکر کیوں کرتے ہو میری جان؟ نور جہاں ہے نا تمہارے ساتھ. شاٹ ریڈی ہے. ہم بھی ریڈی. کیمرا سٹارٹ ساؤنڈ ایکشن. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا تو آج میچ تھا نا. ختم ہو گیا, ڈرا ہو گیا. پھر بھی یار تمہیں اپنی ٹیم کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. یہ بات کیپٹن کو بالکل پسند نہیں آئی. بتا کر آیا ہوں. کیا کہہ کر آئے ہو؟ بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. ہاں بناؤ ڈھال بھائی کو. نظر تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ تمہارا سارا فیوچر گیم میں ہے, اپنا دھیان وہیں رکھو. آپ کیوں فکر کرتے ہیں فیروز بھائی؟ میرا سارا دھیان اپنے کریئر پہ ہے, اس سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے میرے لیے. شاٹ اوکے. آ گئے پردیسی میچ کھیل کے, جیتے یا ہارے؟ برابر ہو گیا, ڈرا ہو گیا. ہمارے میچ میں ڈرا نہیں ہوتا, جیتے ہیں یا ہارتے ہیں. میڈم جی آپ کا شاٹ ریڈی ہے. نہیں ہوگا, شوٹنگ بیک اپ. شاکت جی میرے خاص مہمان آئے ہیں, تو شوٹنگ اب نہیں ہو سکتی. نظر جی آئیے نا. صفحہ نمبر 7 والی لائن چیک کریں. دیکھیں بہت خوب. واہ بہت بہت دلچسپ ہے واقعی. ساری کاپیاں اٹھوا لیجیے,
सबकी सब कीमत देकर या जबरदस्ती हमें नहीं मालूम उठवा लीजिए बस। आप यहां बैठी तस्वीर बहाती रहेंगी, हमें कुछ सोचने दीजिए। कैसा घटिया आदमी है ये मंटो, किस तरह से बदनाम कर रहा है हमें ये। अब हम करेंगे क्या, मैं किस तरह फेस करूंगी अपनी फ्रेंड्स को। अरे बाहर में गई आपकी कॉफी पार्टी वाली फ्रेंड्स, हमारा सियासी करियर दांव पे लगा हुआ है। हेलो, वो वकील साहब से शाम का वक्त तय करूं। वकील साहब के साथ तो क्या कानूनी कार्रवाई के बगैर जाने दें उसे? अदालत में मुकदमा करेंगे तो बहुत शर्मिंदगी होगी, पगड़ियां उछलती हैं ऐसे मुकदमों में। हम हतक इज्जत की बात नहीं कर रहे, हम उस पर फहाशी का मुकदमा करेंगे। उस पर पहले भी सजा हो चुकी है, नाक रगड़वाएंगे उसकी, उस माफी मंगवाएंगे उससे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी निजी जिंदगी के बारे में उसको इस कदर मालूमात दी किसने, आपने या डॉक्टर गौरी ने? हमें तो लगता है कि वो दीवार से कान लगाकर हमारी बातें सुनता रहा है। उस डॉक्टर के बच्चे का भी लाइसेंस कैंसिल करवा के देंगे। हेलो, ठहरिए, आपकी बहन का फोन है। हेलो, हाँ समिया, पढ़ लिया तुमने अफसाना? अबटाबाद तक? बहुत गुस्से में है मजर, छोड़ेंगे नहीं उस कमबख्त राइटर को, मजा चखाएंगे उसे। हाँ अब डराने धमकाने की हद तक तो हो सकता है, लेकिन बंद कीजिए, हमें और भी कॉलें करनी है। अच्छा समिया, मैं रख रही हूँ, फिर बात करूंगी, रात को बात करूंगी। एक तो हम खवातीन की फजूल गुफ्तगू से नहायत आजिज हैं। हेलो, हम मजर बोल रहे हैं, मियां मजर बोल रहे हैं, दिया जी साहब से बात करवाइए। अरे नहीं है तो पैगाम भिजवाइए, जरूरी बात करनी है। खुदावश, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ओ चौधरी साहब, वही गल हो गई जी, ओ चूहा अपनी क्रिकी में खुद फंस गया है। वैसे खुदावश, ये अफसाना न सिर्फ फांसी का मकरू नमूना है, बल्कि इसमें शहर की एक मुमताज शख्सियत के किरदार को मस्क किया गया है। तुम तो जानते ही हो ना किसके बारे में लिखा है इसने। ओ चौधरी साहब, मैं क्या जी, वो पूरा शहर जानता है जी। चौधरी साहब, वो यूकलिप्टस ऑयल पड़ा है उठाना, वो बोतल छोटी वाली है ये जी। आराम से जी, आराम से। नहीं है, सही है, सही है। खुदा बख्श, तू फिक्र ना कर, इस दफा तेरे साथ सिर्फ मेरे जैसे खुदाई फौजदार ही खड़े होंगे, बल्कि शहर के शर्फा भी ना तेरे शाना बशाना तेरे नाल खड़े होंगे। हाँ, अब मंटो घेरे में आ गया है, बच के जानी जा नहीं सकेगा। हाँ चौधरी साहब, उसको तो फिर मजा चखाना ही पड़ेगा ना जी, और अपना भी एक हिसाब उससे बराबर करना है। अरे खुदा बख्श, मेरे मिशन को तुम पाए तकमील तक पहुंचाना।
आप फिक्र ना करें चौधरी साहब, वो मुक गई गल बस। नहीं ठीक है, पानी पी। नहीं सही होता बस, दो घूंट ले लो। कब लिखोगे मेरी कहानी, कब लिखोगे? नई कहानी को मार्केट से उठवा लिया गया है। अच्छा, इसका मतलब है कि दूसरा एडिशन भी छापना पड़ेगा, इतनी बिक्री हो रही है। कहानी वाले मियां साहब और बेगम साहिबा कोई जानने वाले हैं आपके? मेरी कहानियों का मौजू या मंबा कोई एक शख्सियत या वाक्या नहीं होता। वैसे एक बात है मंटू साहब, बुरा ना मनाइएगा, ना आप खुद चैन से बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं। मंटो साहब, कोई आपसे मिलना चाहता है, आप जरा मेरे साथ आइए। कौन मिलना चाहता? मुझसे मिलने के लिए किसी को वक्त लेने की जरूरत नहीं होगी। जो भी है उसे कहो सामने आकर मिले। मगर वो यहाँ नहीं आ सकती मंटो साहब, बहुत जरूरी बात है, उधर वहां टांगे पर है। आप आइए ना मेरे साथ, आइए। मैं चारों तरफ से औरतों में घिर चुका हूं। घर में मेरी बीवी सफिया मेरी जान के दर पे, नूरे जहां सुरूरे जहां ने मुझे मुलाकात की दावत दी है। वो पुरसरार औरत जो बार बार मेरा रास्ता रोकती है, मेरे लिए एक चैलेंज बनती जा रही है। और अब ये नकाब पोश हसीना मेरे लिए क्या पैगाम लाई? क्या कोई वार्निंग है? मैं मंटो